हेलो, तो गाइस आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। क्योंकि अभी ना यार अपना रॉप हीरो पुलिस स्टेशन की तरफ घूमने के लिए आया था। आप सभी को पता नहीं होगा गाइस, लेकिन रॉप हीरो का एक सपना था कि वो भी एक ईमानदार पुलिस वाला बने। लेकिन गाइस रॉप हीरो के पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रॉप हीरो को इतनी आगे तक पढ़ा सके और वो उसे पुलिस ऑफिसर बना सके। गाइस अभी रॉप हीरो बड़ा हो चुका है और अब ये खुद पैसे कमाने लगा है, तो ये पूरी कोशिश करेगा पुलिस वाला बनने की। अभी रॉप हीरो ने थोड़े ही पैसे कमाए हैं, तो अभी तो रॉप हीरो पुलिस वाला नहीं बन सकता। और अभी रॉप हीरो पुलिस स्टेशन से वापस लौट ही रहा होता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है। अरे ये तो कमिश्नर साहब का कॉल है, लेकिन वो मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं, चलो उठा लेता हूँ। हेलो रॉप हीरो, मैंने सुना है तुम पुलिस वाला बनना चाहते हो। हाँ सर, बनना चाहता हूँ, लेकिन आपको किसने कहा? अरे मुझे सब पता है और मैं तुम्हें पुलिस वाला बना भी सकता हूँ, तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आओ। आया सर, अभी आया। चलो चलो यार, जल्दी से पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, आज तो मैं पुलिस वाला बन ही जाऊंगा। अभी कमिश्नर साहब उसे पुलिस वाला बनाने वाले थे और वो काफी ज्यादा हैप्पी था, और अभी वो पहुँच जाता है पुलिस स्टेशन। कमिश्नर साहब मैं आ चुका हूँ। रॉप हीरो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो मैं तुम्हें पुलिस वाला तो बना दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक काम करके दिखाना होगा। अरे सर एक काम क्या, मैं तो पूरे 10 काम करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आप कैसे भी मुझे पुलिस वाला बना दीजिए। अरे हाँ हाँ रॉप हीरो जरूर, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पुलिस स्टेशन में सिर्फ ये 2 गाड़ियाँ ही बची है, बाकी की गाड़ियाँ खराब हो चुकी है और ये दूसरी वाली गाड़ी भी खराब होने की कगार पर ही है। लॉस सैंटोस में एक बहुत बड़ा कर्नल है जिसके घर पे 4 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है। अभी वो कर्नल तो USA गया हुआ है, लेकिन वहाँ पर उसके सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। और अगर तुम जाकर वो 4 गाड़ियाँ वाइस टाउन पुलिस स्टेशन में ले आओगे तो मैं तुम्हें पुलिस वाला बना दूंगा। मतलब मुझे वहाँ जाकर 4 गाड़ियाँ चुरानी पड़ेगी। लेकिन सर कर तो दूंगा, लेकिन मुझे एक गाड़ी चाहिए होगी। अरे हाँ रॉप हीरो, ये गाड़ी बिल्कुल सही है, तुम ये गाड़ी ले जाओ और लोकेशन मैंने तुम्हें भेज दी है। ओके सर, आप टेंशन मत लीजिए, वो 4 गाड़ियाँ हमारे पुलिस स्टेशन की होगी। तो भी रॉप हीरो पुलिस स्टेशन की गाड़ी को उठाता है और वहाँ से निकल पड़ता है टिप्सन के घर के लिए। रॉप हीरो को 4 गाड़ियाँ चुराने के लिए 4 लोगों की जरूरत थी, उसने सुपर हीरो और मटेंट को तो कॉल कर दिया और एक बचा टिप्सन। 3 लोग तो हो चुके थे और एक अपना रॉप हीरो खुद, यानी कि 4 लोग पूरे कंप्लीट हो गए। और अभी सुपर हीरो भी वहाँ पर आ जाता है और अपना रॉप हीरो सुपर हीरो से कार के अंदर बैठने के लिए बोल देता और है। यार अभी मटेंट भी वहाँ पर आ चुका था और अभी मटेंट भी जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और अभी पूरे 4 लोग कंप्लीट हो चुके थे और अभी वो 4 अपनी पुलिस की कार को लेके निकल पड़ते हैं उस कर्नल के घर के लिए। अबे रॉप हीरो कितनी दूर आ गए यार, अभी और कितनी दूर रह गया उस कर्नल का घर यहाँ से। अरे हाँ यार रॉप हीरो कितना दूर है भाई, मुझे तो बहुत जोरों से भूख भी लगने लगी है अभी तो। यार टिप्सन यहाँ पे खाने को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी तेरे को भूखा रहना पड़ेगा जब तक कि हम लोग वो 4 गाड़ियाँ नहीं चुरा ले। फाइनली यहाँ पर हमारी लोकेशन कंप्लीट हो चुकी है और ये जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है ना, यही है उस कर्नल का घर। रॉप हीरो मैं जल्दी से जाकर 4 गाड़ियाँ चुरा लाता हूँ। अरे टिप्सन पागल है क्या, उन लोगों के पास काफी खतरनाक हथियार है और तू बिना हथियार के अगर अंदर गाड़ी चोरी करने जाएगा तो तेरे को वो गोलियों से भून डालेंगे। तो रॉप हीरो आगे का प्लान क्या है ये तो बता। देखो भाई यहाँ पर सिक्योरिटी तो है लेकिन इतनी भी ज्यादा टाइट नहीं है, तो हम लोग पीछे के दरवाजे से अभी अंदर की तरफ एंटर करेंगे। ये देखो ये रहा दरवाजा और इस दरवाजे पे ये लोग कभी भी लॉक नहीं लगा हैं, तो चलो एक बार इसे ओपन करके देखते हैं आखिर गार्ड्स कहाँ कहाँ पर खड़े हैं। तो यार घर के बाहर एकदम जस्ट वहीं पर गार्ड्स खड़े हुए हैं, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, चलो जल्दी से आ जाओ, इतनी दूर से वो लोग हमें नहीं देख पाएंगे। भागो भागो तुम दबा के भागो, ये देखो मैं तो पहुँच गया। तुम लोग थोड़ा अंदर की तरफ आ जाओ वरना बाहर से अगर दिख गए उन्हें तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गाइस अभी देखो यार यहाँ से मैं बिल्कुल अच्छे से निशाना लगा सकता हूँ। तुम तीनों यहाँ पर चुपचाप से खड़े रहो, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक आगे मत आना। तो यार अभी मैंने अपनी यहाँ पर स्नाइपर गन निकाल ली है, तो अभी मुझे पानी के अंदर उतरना पड़ेगा। फाइनली यार मैं पानी के अंदर तो उतर चुका हूँ, जरा एक बार जूम करके देखते हैं आखिर कितने गार्ड्स हैं यहाँ पर टोटल। गाइस यार यहाँ से तो दीवार बीच में आ रही है, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़कर देखना होगा, बस यार उन लोगों की नजर मुझ पे ना पड़े। तो ये देखो यार ये जगह बिल्कुल सही रहेगी, आप देखो मैं कितनी आसानी से जूम कर सकता हूँ। तो ये देखो एक गार्ड यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, और ये पांचवा, और ये खड़ा यहाँ पर छठा। तो गाइस यहाँ पर टोटल 6 गार्ड खड़े हुए हैं। अगर मैं फायर करूंगा तो गन से आवाज तो नहीं आएगी क्योंकि मैंने गन पे सप्रेसर लगा के रखा। और अगर मैं इन्हें मारना स्टार्ट करूं तो बीच वाले को अगर मारूंगा तो सबको पता लग जाएगा, इसलिए गाइस मुझे कॉर्नर से मारना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो अभी मैं फटाफट से जूम करता हूं। तो गाइस ये देखो यार कॉर्नर पे जो बंदा खड़ा है इसको मैंने अभी गोली से मार दिया है और किसी को शायद पता भी नहीं लगा। तो चलो एक बार दोबारा से हम लोग जूम करते हैं। तो एक सिक्योरिटी गार्ड तो मारा गया और इधर वाले कॉर्नर के गार्ड को भी मैं मार देता हूं। तो निशाना बिल्कुल फिक्स है और ये देखो गाइस इसको मैंने मार दिया है। आसपास वाले गार्ड्स को अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा भाई। तो चलो यार इसी तरीके से मैं सबसे पहले इधर वाले को
उड़ाता हूँ, तो ये देखो इसे मार दिया और ये दूसरा भी गया, तो अभी तीसरे को मारते हैं। पहले किसे मारूं, इसे या फिर इसे? तो एक काम करते हैं, इसे मार देते हैं। तो ये तो गया, और गाइस ये लास्ट वाले को भी मैंने मार दिया है। यार जब मैंने पहले यहाँ पर जूम करके चेक किया था तो यहाँ पर टोटल 6 सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और अभी मैंने 6 के 6 को मार डाला है भाई। तो चलो यार अभी जल्दी आ जाओ भाई सुपर हीरो मटन टिप्सन। आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड बचा तो नहीं है, लेकिन गाइस मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आ जाओ भाई, रास्ता बिल्कुल साफ है। फिर तू तो शार्प शूटर निकला, तूने तो एक ही झटके में 6 के 6 सिक्योरिटी गार्ड मार डाले। हां भाई सुपर हीरो, तभी तो पुलिस ऑफिसर बनने की सोच रहा था भाई, मैंने बहुत ज्यादा शूटिंग की प्रैक्टिस कर रखी है। तो चलो गाइस अभी हम लोग यहां पर आ चुके हैं, और जैसा कि कमिश्नर साहब ने बोला था यहां पर हमको 4 व्हीकल्स मिलेंगे। तो गाइस यहां पर टोटल 4 व्हीकल्स खड़े तो हैं, और यहां के सभी गार्ड्स भी मर चुके हैं। और जरा इन लोगों को देखो यार, भाई आ जाओ यार, कोई नहीं है यहां पर, देखो ये लोग कितने ज्यादा डरे हुए हैं। तो गाइस अभी सबसे पहले देखते हैं कौन सा व्हीकल खड़ा है यहां पर। तो गाइस यहां पर ना सबसे पहले नंबर पे एक पुलिस वैन खड़ी है जो कि काफी ज्यादा बड़ी है। और गाइस ये क्या, देखो यहां पर तो एक पुलिस की फरारी भी है जो कि काफी शानदार भागती होगी। आपको तो पता है यार हमारे वाइस टाउन की जो कार है वो कितनी ज्यादा खटारा है, और जब वो लोग ये फरारी कार देखेंगे तो उनका दिमाग हिल जाएगा। और गाइस यहां पर एक बड़ी सी पुलिस बस भी है और एक पुलिस बाइक भी है। वैसे मुझे जहां तक पता है अपने वाइस टाउन में पुलिस वालों के पास कोई बाइक नहीं है ना टिप्सन? नहीं नहीं फिर उनके पास पुलिस बाइक तो नहीं है, लेकिन अभी हो जाएगी। यार गाड़ियां तो हम लोगों ने चुरा ली, लेकिन अभी इन्हें वाइस टाउन भी तो लेके चलना है। तो चलो भाई सबसे पहले मटेंट को काम बताते हैं। मटेंट ये जो पुलिस वाली वैन है वो सबसे पहले लेके जाएगा वाइस टाउन। हाँ गाड़ी को कहीं पर ठोकना नहीं है, चल अभी फटाफट से जा गाड़ी स्टार्ट कर और इसे यहाँ से बाहर लेके जा और इसे वाइस टाउन पहुँचा। ओके रॉपिरो भाई अभी जाता हूँ मैं। तो ये देखो यार अभी चाबी लगा दी और वैन भी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलो अभी फटाफट से इसको यहाँ से निकालते हैं। लेकिन ये क्या यार, यहाँ पर तो काफी छोटी मोटी जगह है, आराम आराम से लेके चलना पड़ेगा। अगर कहीं पर ठोक दी तो रॉपिरो भाई तो मेरी बैंड बजा देंगे। तो ये देखो अभी मैं बाहर लेके आ चुका हूँ, तो चलो अभी वाइस टाउन चलते हैं। तो अभी मटेंट तो लेके जा चुका है पुलिस वैन को, तो अभी बारी आती है सुपर हीरो की। सुपर हीरो तू एक काम कर, फरारी कार तो मैं तुझे नहीं दे सकता, तू ठोक देगा, तो एक काम करिए जो बाइक है इसे वाइस टाउन लेके जा। यार वैन के बाद तो यहाँ पर फरारी खड़ी थी, मुझे तो लगा मुझे फरारी कार चलाने को मिलेगी, लेकिन अभी तो बाइक लेके जानी पड़ेगी। ठीक है फिर अभी जाता हूँ। यार पुलिस बाइक भी अच्छी होती है और काफी अच्छे से भागती है, तो चलो अभी इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अभी तो मेरी बाइक भी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलो अभी इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। वैसे गाइज आप लोग कमेंट करके बताओ आपको इन गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। और हाँ यार वीडियो को लाइक भी कर दो अभी तक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो ये देखो अभी मेरी बाइक तो बाहर निकल गई, अभी मैं आराम से इसे वाइस टाउन ले जा सकता हूँ। तो अभी पुलिस बाइक भी जा चुकी है वाइस टाउन, तो अभी चल भाई टिप्सन तेरी बारी है, एक व्हीकल को तू लेके जाएगा। अरे हाँ भाई फिर समझ गया यार, ये फरारी कार को ले जाने के लिए तू मुझे ही तो बोल रहा है ना। अरे शक्ल देखिए अपनी, चलवाऊं तो ये फरारी, चुपचाप से जा और ये बस को उठा के निकाल यहाँ से। क्या मुझे ये बस लेके जानी पड़ेगी? यार फिर तू बहुत खराब है यार, तू मुझे कभी भी सुपर कार नहीं चलाने देता है। वाइस टाउन पहुँच के चला लेना यार, तुझे पता है ना सुपर कार कितनी महंगी आती है, और अगर कोई नुकसान हो गया तो मेरी तो नौकरी डूब जाएगी। हाँ भाई फिर समझ गया यार समझ गया, बस तू साइड हो जा, मुझे बस को घुमा लेने दे, ये बस काफी ज्यादा लंबी है, घुमाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी मुझे। हाँ टिप्सन साइड तो हो जाता हूँ, लेकिन आराम से लेके जाना भाई। अबे अबे क्या कर रहा है, ठोकेगा क्या? नहीं ठोक रहा फिर भाई, मुझे चलानी आती है, तो यार अभी यहाँ से आराम से निकालना पड़ेगा, काफी छोटी जगह है, तो चलो अभी निकाल लेते हैं। अबे ये क्या यार, बस ठोक गई यार, फिरो को मत बताना प्लीज। वैसे स्पीड तो कमी थी, नुकसान भी नहीं हुआ है, तो चलो अभी फटाफट से इसको बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन यार ये कैसे निकलेगी यहाँ से बाहर? तो ये देखो अभी बाहर निकल चुकी है, और अभी तो मैं इसको आराम आराम से चलाते हुए वाइस टाउन तो लेके पहुँच ही जाऊंगा। वैसे यार मैंने आज से पहले कभी बस नहीं चलाई है, पहली बार ही चला रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी 3 पुलिस के व्हीकल तो वो तीनों लेके जा चुके हैं, और अभी जो चौथा है यानी कि अपने पुलिस वाली फरारी, इसको मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि यार ये काफी ज्यादा फास्ट भागती है, इसलिए उन तीनों को मैंने ये कार नहीं दी थी। और अभी मैं इसको आराम आराम से वाइस टाउन लेके पहुँच जाऊंगा। तो यार कमिश्नर साहब ने जो 4 व्हीकल मंगाए थे वो 4 व्हीकल तो एकदम तैयार है, तो गाइस अभी मेरे को पक्का नौकरी मिल जाएगी। बाकी गाइस मैं तो पुलिस वाला बन चुका हूँ, लेकिन आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोस रोजाना देखने चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।